एक सवाल आया है मेरे दिमाग में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इमेजिन करें अगर आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई नेबर साइको हो तो सोच में पड़ गए ना? कोई नहीं, आने वाले कुछ मिनटों में आपको सब समझ आ जाएगा। सो नाउ लेट मी मेक यू मीट These monsters trapped in human body. And I'll tell you the reason why they have become one. Video ko end tak zarur dekhen, kyunki I will reveal the fact kyun zyada tar insaan apni insaniyat chhod ke haiwan ban jata hai. Hum apni life mein kafi cases dekhte hain based on criminal activities, movies dekhte hain, but kuch aise bhi cases hain which makes us think, क्या वजह थी, क्या मेंटालिटी थी जो ये सब हुआ और क्यों किया ये सब। लेट्स सी, इन्हीं सब से जुड़ा है आज का हमारा वीडियो और मैं आपको मिलाता हूँ तीन ऐसे लोगों से जिन्होंने कुछ ऐसा किया विच वॉज अनबिलीवेबल और उसके पीछे एक मेजर रीजन था विच आई विल टेल यू इन अ वाइल। तो आइए आपको मिलाता हूँ हमारे पहले किलर से, Mohan Kumar. This guy is also well known as Cyanide Killer. आपको इसकी स्टोरी सुन के परेशानी इसलिए होगी क्योंकि इस इंसान ने एक नहीं, दो नहीं, टोटल 20 औरतों का मर्डर किया है और मेन रीजन इसके पीछे था पैसा। पर ये पैसे की भूख क्यों जागी? जबकि मोहन एक स्कूल में एक अच्छी ढंग की नौकरी कर रहा था, फिर क्या वजह थी कि इस इंसान ने यह गलत काम करना शुरू कर दिया? सच जानने के लिए हमें इसके बचपन में लौटना होगा और देखना होगा कि आखिरकार इसके बचपन में क्या हुआ था। अगर मैं इसका बचपन खोल के देखता हूं तो यही दिखता है कि इसके पिता ने इसको और उसके परिवार को छोड़ दिया था जब वो सिर्फ 14 साल का था। गरीबी और लाचारी के चलते हर चीज बिखर चुकी थी। गरीबी एक बीमारी की तरह है, अगर इस पे काम नहीं किया तो ये आपको ले डूबती है और स्पेशली आपको ये मानसिक रोगी बना देती है। और यही हुआ मोहन के साथ। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण उसको सिर्फ एक स्कूल टीचर की नौकरी मिली जिसमें इनकम इतनी अच्छी नहीं थी। He had big dreams, big desires. सबके होते हैं। He found the easy way out. मोहन ने कुछ ऐसी लड़कियों को पकड़ा जो पैसे से तो काफी वेल टू डू थी बट लुक वाइज थोड़ी एवरेज थी या बिलो एवरेज, या उनकी शादी नहीं हो रही थी। मोहन यूज टू क्रॉस हिज ऑल लिमिट्स और फाइनली शादी का प्रॉमिस भी कर देता था। लड़की के सारे पैसे, जेवर, सब कुछ लेके वो बस स्टॉप पे आता था और एक गोली देता था और कहता था प्लीज हैव इट सो दैट आप प्रेग्नेंट ना हो। एट द एंड दैट वाज अ साइनाइड टैबलेट जो इंसान को मार देती है एंड ही यूज्ड टू रन अवे विद ऑल द मनी द गर्ल यूज्ड टू कैरी। ये इसकी फितरत में बन गया। फाइनली 20 औरतों को मारने के बाद ये लड़का पकड़ा गया। अगर बचपन में उसके पिता ने उसको नहीं छोड़ा होता और घर को और परिवार को संभाल के रखा होता तो शायद से ये साइकोटिक किलर ना बनता। नेक्स्ट आपको मिलाता हूं स्टोन कोल्ड मर्डर केस से, एक ऐसा किलर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फ्रॉम अ ब्राइट स्टूडेंट टू अ साइको किलर, एक ऐसा लड़का जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था और देश का नाम रोशन कर सकता था, आज जेल की सलाखों के पीछे है। Udyan Das has killed his parents and his girlfriend brutally. 11th standard के बाद उद्यान का मन पढ़ाई से हटके इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, क्रिमिनल सीरीज में और पोर्नोग्राफी में लग गया था। धीरे धीरे उद्यान पढ़ाई में वीक होने लगा और कैसे ना कैसे करके उसने अपना ग्रेजुएशन पास किया। ये सबसे घर पे टेंशन काफी बढ़ चुकी थी। अब जॉब ना मिलने के कारण और टेंशन बढ़ गई थी और घर पे काफी बात सुनने को मिल रही थी। इन सब चीजों से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया।
उद्यान का फाइनली हैवान बाहर निकल आया और उसने एक एक करके अपने माँ और बाप को मार डाला। मारने के बाद उसने उनकी लाश को अपने ही घर में दबा दिया और उस पर सीमेंट का स्लैब बना दिया। उसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा शर्मा, जिसको उसने यूएस जाने के झांसे में रख के उसके सारे पैसे लेके एक दिन उसका भी उसने उसी तरह मर्डर कर दिया। आकांक्षा को मारने का मेन मोटिव एक ही था, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी जेलेसी। उसको लग रहा था कि आकांक्षा उसके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा क्लोज हो रही है, तो उसने मौका देखते ही उसको मार डाला। पकड़े जाने के बाद उद्यान ने कबूल कर लिया कि तीनों मर्डर्स उसी ने किए हैं और सबका मोटिव अलग था, पर एक रीज़न था उसके पीछे, वो था उसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी जो किसी ने नहीं देखी। एंड फाइनली वो एक तरह से साइकोटिक किलर बन गया। एंड द फाइनल केस इज ऑन मर्डर, लाइज, वीडियो टेप्स एंड सेक्स। ये केस एक दिमाग से हारे हुए एक बच्चे का है और उससे उसकी मासूमियत छीनने का है। सजल बरुई, एक ऐसा लड़का जिसकी माँ नहीं थी और उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। आफ्टर बींग टॉर्चर्ड एंड बीटन डाउन बाय हिज स्टेप मदर ऑन अ डेली बेसिस, इतना टॉर्चर सहने के बाद फाइनली सजल ने डिसाइड कर लिया कि ही विल किल एवरीवन फ्रॉम हिज फैमिली। उसने पहले अपनी सौतेली माँ को मारा, फिर अपने बाप को मारा और फाइनली अपने सौतेले भाई को भी मार दिया। और ये सब उसने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलके किया। और रिमेम्बर, उस टाइम पे सजल सिर्फ 16 साल का था। ये तो बस शुरुआत थी। इन 2010 जब वो जेल से बाहर आया, उसका दिमाग और शैतान भरा हो गया था। उसने अपने दो और दोस्तों के साथ मिलके चोरी, डकैती, लूट, मार सब चालू कर दिया। साथ साथ में उसने एक और चीज़ करनी चालू कर दी, लोगों के सेक्स टेप बनाना और बाद में उनको ब्लैकमेल करना। फाइनली वो फिर से पकड़ा गया 2010 में और उसके बाद से आज भी वो जेल में है, बिकॉज ही इज प्रीटी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। अगर इस बच्चे के साथ मेंटल टॉर्चर नहीं किया होता तो पता नहीं आज ये क्या से क्या होता। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज केसेस और ऐसे बहुत केसेस, एक ही चीज समझ में आती है, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, अच्छे तरह से पालें और इन सारी बुरी चीज़ों से दूर रखें, सो दे विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि आप सब जान सकें कि आपके घर के हालात आपके बच्चे को बिगाड़ सकते हैं। आप अपने हाथ से अपने बच्चे का फ्यूचर अंधेरे में डाल रहे हैं। इन केस अगर कोई ऐसा कर रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज स्टॉप इट। हो सके तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट करें, बिकॉज यू नेवर नो फ्यूचर में जाके कौन कितना साइकोटिक हो जाए और क्या पता कोई ना कोई एक किलर बन जाए। अगर ये आप नहीं होने देना चाहते, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बिकॉज फैमिली इज द फर्स्ट प्लेस वेयर चाइल्ड सी एवरीथिंग। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, क्योंकि आपका बच्चा आपकी परछाई है। जो आप करेंगे, 99% आपका बच्चा वैसा ही बनेगा। होप दिस विल हेल्प। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू ऑल स्टे सेफ, पीस, सेव योर चाइल्ड।